अगर देखा जाए तो ये समस्या कॉमन है, लगभग सभी में ये होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हमारा। हम पढ़ाई में मन लगाते हैं, मन चला जाता है कहीं और, मन चला जाता है मोबाइल चलाने में, मन चला जाता है दोस्तों से बात करने में। तो ऐसी जो समस्या है वो कॉमन है, मतलब ज़्यादातर आती ही आती है लोगों में। स्टूडेंट की ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा होता ही रहता है। तो इसके लिए कुछ रामबाण तरीका तो नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जिसके हिसाब से आप अपना ज़्यादा टाइम अपने कैरियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर, या आपका कोई अपना एम है उसको लेकर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। वो टिप्स क्या हैं इसको ज़रा ध्यान से समझना। सबसे पहला ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप अपने उस सपनों को याद करें, अपने उस एम को याद करें, जो आपका टारगेट है उसको याद करें कि मुझे वो पाना है। और मैंने अगर अपना 100% में से अगर 50% मैं और चीज़ों में दे रहा हूँ, तो मतलब 50% ही मैं अपने एम में, अपने करियर के लिए दे रहा हूँ। तो क्या 50% टाइम जो हमारा है वो हमारे एम को पाने में मदद करेगा, या वो सही है या नहीं सही है, मतलब भरपूर है या नहीं है? तो इसका अंदाज़ा कैसे लगेगा? जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप अपना 50% टाइम देते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर किसी साल एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं और एग्ज़ाम हो जाने के बाद उसका क्वेश्चन पेपर उठाकर आप उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसके हिसाब से आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि आपने जो 50% टाइम दिया है वो भरपूर रहा या नहीं रहा है। अगर नहीं रहा है तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। आपने ये चीज़ तो ज़रूर नोट की होगी कि जिन चीज़ों में आपका मन लगता है ना, उसमें ना तो आपका कभी टाइम पता चलता है कि कितना टाइम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोस्तों के साथ बैठते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि एक घंटा दो घंटा कब बीत गया। ऐसा ही ये होगा कि जब आपका मन, जब आपका अपना जो सपना है, अपने माँ बाप के लिए जो करने का जुनून है, उसको लेकर आकर आपके अंदर वो सारी शक्ति है, वो जुनून है, तो फिर आपको भी टाइम पता नहीं लगेगा कि मैंने अपने सपने, अपने कैरियर को पाने के लिए 50% दे दिया है या 80% दे दिया है। तो आपको 50 और 80 में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, और आप 80% देंगे और अपने सपनों को पाके ही रहेंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इसमें मेन बात, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने जो फील्ड, आपने जो कैरियर, आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया है, उसमें ऐसा ना हो किसी और के कहने पर किया है, और किसी और के कहने पर किया है तो उसको आप कितना मानते हैं, उसके लिए कितना कुछ कर सकते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके खुद के सपने हों। भले ही लोगों ने आपको बताए हों कि ये भी काम होता है, इससे नाम होता है, या इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, माता पिता को अच्छा महसूस होता है, उनको इज्जत मिलती है, तो उसके पीछे आप चले गए। ये सब जानने के बाद आपने तैयारी शुरू की, क्या आपका अभी भी लगाव उसमें है नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरेस्ट बढ़ाइए, मतलब अपनी दिलचस्पी बढ़ाइए। आप यकीन मानिए कि आप 50% दे रहे हैं या 100% दे रहे हैं अपना टाइम टोटली अपने करियर के लिए, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। और जब ये आपको पता नहीं चलेगा तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जब पढ़ने में इंटरेस्ट हो, किताबों से प्यार हो, और उनको अपना भरपूर समय दिया जाता हो, तो समझ जाना कि आप सही हैं, और आपको जल्द ही आपकी मंजिल मिलने वाली है।